آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين يا رب العالمين. عزیزان، ہم وقف اور ابتدا اس موضوع کے اندر بات کر رہے ہیں، اوقاف کے وقف کے ابتدائی تین قسموں کے بارے میں بات ہم نے تمام کی، اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اصلی وقف جو ہے وہ صرف الوقف الاختیاری ہے، کیونکہ وقف الاضطراری تو اضطرار کے تحت ہوتا ہے، عام حالات اس کے نہیں ہیں، اور وقف اختباری جو ہے تو وہ بھی اس وجہ سے کہ رسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس لیے حقیقت میں اسے بھی دیکھا جائے تو وقف نہیں کہا جاتا، لیکن بہرحال اصطلاحاً اسے بھی وقف کہیں گے. تو یہ وقف اختیاری جو ہے اصل میں 100% وقف یہی ایک ہے، اور اس کے ہم نے کہے چار اقسام ہیں، اور ان چار میں سے بھی اصل میں تین ہی ہیں، کیونکہ چوتھا جو الوقف القبیح ہے تو قبیح ہونے کی وجہ سے وہ بھی وقف حقیقت میں نہیں ہے. تو ان پہلے تین میں سے ہم نے ایک وقف تام کے بارے میں بات کی، اور دوسرے وقف الکافی کے بارے میں بات کی. تو آج ہم بات کریں گے الوقف الحسن کے بارے میں، وقف الحسن. وقف الحسن، حسن یعنی اچھا، وقف الحسن، وقف الحسن. اس کے بارے میں ہم پہلے تعریف کریں گے، وقف الحسن کسے کہیں گے. هو الوقف، وہ ایسا وقف ہے جو کہ علامہ تم جس کے اوپر مکمل ہوتا ہے معنی، ہو یعنی جملے یا کلام کا معنی تمام ہو جاتا ہے، یعنی یہاں تک جو کہنے والے کو کہنا ہے وہ بات پوری ہو چکی ہوتی ہے. اور یہ جو وقف کا لفظ ہے جس پر وقف کیا گیا، وہ تعلق، اس کے بارے میں یہ ہے کہ تعلق، اس کا تعلق ہے بما بعده، اس چیز کے ساتھ جو اس کے بعد آ رہا ہے. بما بعده لفظا یا معنی کہتے ہیں، فی اللفظ، فی اللفظ لفظ میں بھی، والمعنی اور
वाल माना और मैंने वे भी मान मान यानी एक साथ यानी दोनों का दोनों के अंदर ताल्लुक होते हैं। लफ्ज़ के एतबार से भी एक ताल्लुक होता है और मानी के एतबार से भी यानी माना के एतबार से एक ताल्लुक होता है। तो ताल्लुक होता है लेकिन बात जो होती है तम माना हो बात तमाम हो चुकी होती है। अगरचि बाद में जो लफ्ज़ आ रहा है तो बाद वाले और इस वाले के दरमियान एक ताल्लुक बाकी होता है लफ्ज़ में भी और माने में भी एक साथ यानी दोनों का मान मान यानी एक साथ ये हम कहते हैं ना मा उसके साथ तो मान उसी में से निकला है। इसको हाल कहते हैं इसमें हाल इसका है मानन यानी माने के मान मान यानी एक साथ दोनों का। और यहाँ वह यहसिनो यहसिनो अलवक्फ अले और इस पर जब वक्फ किया जाएगा तो पढ़ने वाला कारी इसमें एक हुस्न डालता है। और ये लफ्ज़ जो है यहसिनो ये मुजारे है अहसना का अहसना अहसना यहसिनो ये रुबाई है रुबाई एक दो तीन चार चार हरूफ का यहसिनो इसको रुबाई कहते हैं। बिलउमूम अरबी में जो फ़ैल है वो अक्सर बेशतर सुलासी है तीन हरूफ वाले खलाका करुमा हसना इस तरह के लेकिन कुछ अफाल जो हैं वो चार हरफी भी हैं और बहुत कम पांच हरफी भी हैं। से हरफी को सुलासी कहते हैं चार हरफी को रुबाई कहते हैं और पांच हरफी को खुमासी कहते हैं खम से खुमासी रुबा से या अरबा से बल्कि रुबाई सलास से सुलासी। ये जो आसना का एक है हसुना इसका सुलासी जो है इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप समझ लें इस फ़ैल का जो सुलासी है वो है हसुना हसुना यहसुनो हसुना यहसुनो लेकिन ये वाला जो है ये इसमें एक अलिफ इजाफी है ये चौथा हर्फ है इसमें मजीद इसको कहते हैं मजीद एक हर्फ बढ़ा के इसके मायने भी बदल जाते हैं और शक्ल भी बदल जाती ये हसुना अलि बढ़ा दिया बढ़ गया अहसनो आसना आसना माजी में हमेशा आखिर पर ज़बर होता है आसना हसुना हसुना का मतलब है हसीन हो जाना कोई चीज़ जैसे हम कहेंगे कोई शख्स ब्यूटी पार्लर पर गया उसने वहाँ कुछ कराया तो उसकी शक्ल हसीन बन गई हम कहेंगे हसुना उसकी शक्ल सूरत हसुना हसीन बन गई। किस वजह से बन गई ब्यूटी पार्लर के वहाँ के जो भी हैं वो काम शाम उनकी वजह से यह सुनो यानी अपने आप को कोई हसीन बनाता है हसीन हो गया हसीन बनाता है या हसीन बनाएगा ये है सुलासी। लेकिन ये जो है ऊपर वाला है आहसना यहसिनो आहसना यहसिनो जैसे फाला किया फाला किया अफाला किसी और ने कराया तो इसमें फाइल बाहर वाला होता है इसमें फाइल खुद होता है सुलासी में फाइल खुद होता है लेकिन रुबाई में फाइल जो होता है वो दूसरा होता है। गोया ये जो शख्स ब्यूटी पार्लर पर गया तो हसीन हो गया या अब तक हमें सिर्फ ये पता है हो गया ये नहीं पता किसी ने किया। जब हम ये कहेंगे अहसना हम कहेंगे ब्यूटी पार्लर वाले ने उसको हसीन बनाया यानी दूसरा फाइल बाहर से आ गया खारिज से और उसने ये काम किया इसके ऊपर इस मफूल जो है उसके ऊपर किया। तो यहाँ का मतलब यही है यहसिनो यानी हसीन किया जाता है कौन करता है हसीन
कारी, कारी के पढ़ने की वजह से वक्फे हसन की वजह से, वक्फुल हसन की वजह से क़िराअत उसकी, कुरान का पढ़ना उसका हसीन बन जाता है, लेकिन ख़ुद ब खुद नहीं बनता बल्कि कारे की वक्फ की वजह से बन जाता है। यह भी आपको मिसाल से समझ आएगा ज़्यादा अच्छी तरह से। तो यही मतलब है वह यहसनो यहसनो, यहाँ है यह सुनो यह सुनो। इसमें देखिए हरूफ बिल्कुल वही है, यहाँ भी सिर्फ हरकत का फ़र्क है, यहाँ या पर पेश है यहाँ ज़बर है, हा पर यहाँ भी सुकून है यहाँ भी, यहाँ सीन पर पेश है, यहाँ सीन पर ज़ेर है, यहाँ सीन पर पेश है, नून पर दोनों में पेश है। आमतौर पर जो मुजारे होता है उसके आखिर पर पेश होता है, यानी मरफू होता है, मुजारे मरफू होता है अक्सर बेशतर। और माजी जो होता है इसको कहते हैं मनसूब है, वहाँ मन क्या कहते हैं मफतू नहीं कहते, मफतू मजमू मकसूर ये नहीं कहते हैं। जब हालात की वजह से हरकत बदल जाए उनको आराब कहते हैं, आराब यानी ये हरफ जो है ये मनसूब है, किस लिहाज से नहव के लिहाज से, लेकिन सरफ के लिहाज से ये मफतू है। जब सरफ की बात करेंगे यानी कलमा साजी की बात, अल्फाज से अल्फाज बनाने की बात, तो वहाँ इसको मफतू कहते हैं, इसको मज़मूम कहते हैं, लेकिन नहव के अंदर इसको मफतू नहीं कहते बल्कि मनसूब कहते हैं, और इसको मज़मूम नहीं कहते बल्कि मरफू कहते हैं। तो ये इंशाल्लाह आगे माह सियाम के बाद ही बहस आएगी। हम यहाँ ये बात कर रहे हैं वह यहसिनुल वक्फ अलैहि, और उस पर वक्फ जो है यहसिनु हसीन बनाया जाता है, कौन बनाता है कारी बनाता है, ठीक है कि नहीं। तो वला यजूज, ये ज़रूरी बात है इसमें, वला यजूज जायज़ नहीं है, वला यजूज़ अल इब्तिदा बेमा बाद हो, इसके बाद जो लफ्ज़ आएगा वहाँ से नए सिरे से वक्फ के बाद इब्तिदा करना जायज़ नहीं है। काफ़ी वगैरह में जायज़ है लेकिन इसमें वक्फुल हसन में जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है, जायज़ ये नहीं, अगरचे गौर करें अगरचे तमाम माना हो, माना तमाम हो गया इसमें शक नहीं, लेकिन जायज़ नहीं है कि उसको छोड़ के और इसके बाद से इब्तिदा करें। क्यों, क्योंकि ताल्लक बिमा बादहु फिल लफ्ज़ वलमाना मान, माने और लफ्ज़ में दोनों के लिहाज से एक ताल्लुक है, वो ताल्लुक टूटना नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर आप यूँ कहिए कि उसको यहाँ से जो पहले पढ़ा है उससे इब्तिदा करना चाहिए, याऊद इयादा करना पड़ेगा, इयादे की ज़रूरत है, इयादे की ज़रूरत है। तशरीह ज़्यादा खुल के करने का टाइम नहीं, मैं चाहता हूँ कि रोज़ों से पहले ये तजवीद वाला मसला ख़त्म हो जाए, तो इसलिए मौका नहीं है कि उसको ज़्यादा खुल के बयान करूँ, लेकिन इतना काफ़ी है आपके लिए। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कभी जो हम्द सना पड़ता है मेंबर के ऊपर, तो अक्सर बेशतर जो तजवीद के असली जानने वाले होते हैं वो पढ़ते हैं मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह, माने तमाम हो गए या नहीं हो गए, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, माने पूरे हो गए ना, पूरे हो गए, वो पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद फिर पढ़ना है उसे रब्बिल आलमीन, तो अगर वो पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह वाक़ करेगा, फिर पढ़ेगा रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन इसके साथ ताल्लुक रखता है फिर लफ्ज़ वल माना, लफ्ज़ में भी माने में भी, लफ्ज़ में इसलिए कि अगर बाद में ये पढ़ेगा रब्बिल आलमीन, आलमों का रब, आलमों के रब के बारे में क्या बात करनी है इसको, अब क्या बात करनी है इसके बारे में, क्योंकि मायने पहले के साथ मरबूत है, इसलिए वो रब टूट गया। तो इसी वजह से ला यजूज़ुल इब्तिदा बिमा बादहु, इसके बाद जो है रब्बिल आलमीन उससे इब्तिदा नहीं जायज़ है, तो इसलिए वो क्या करता है अल्हम्दुलिल्लाह फिर वक्फ करता है, और कभी दूसरी बार भी बोलते हैं
अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बार, और तीसरी बार कभी कभी दूसरी बार ही, कभी तीसरी बार फिर पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आलमीन इस तरह भी लिख सकते हैं, अलिफ अलग भी लिखा जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपका कलाम पूरा हो गया। लेकिन ये अलग करने से, ये अलग करने से, वक्फ करने से और फिर मरा के पढ़ने से, दोनों तरीकों से पढ़ने से इसका हुस्न बढ़ जाता है। यानी पहले उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आपने जगह कलाम पूरा है, लेकिन एक ताकीदी मायने बताने के लिए फिर उसने बाकी वाला जो हिस्सा है इसको नए सिरे से पढ़ के इसके साथ मिला लिया, तो समझ आया कि जो हमद पढ़ने वाला है ये कहता है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। क्यों है? क्योंकि वो रब्बिल आलमीन है, वो आलमों का पालनहार है, पालने वाला है, इसीलिए तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। समझ रहे नहीं कि नहीं? तो गोया इसने वक्फ करने से एक ताकीदी और एक तौजीही इजाफा किया अपने कलाम के अंदर, और इस तरह इसका कलाम ज़्यादा हसीन बन गया। बल्कि हम यूं कहेंगे कि उसने अपने कलाम को, बात करने के तरीक़ों को ज़्यादा हसीन और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया, ज़्यादा मौसर बना दिया, बल्कि ज़्यादा पुरमानी बना दिया। समझ रहे कि नहीं? अगर ये सीधा पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, समझ रहे कि नहीं? तो वो जो इस तरीके से पढ़ने में हुस्न पैदा होता है, वो हुस्न पैदा नहीं, आम सी बात होगी, समझ रहे? इसीलिए इसको वक्फुल हसन कहते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इसीलिए वह युहसिनुल वक्फ अलैह, इस पर वक्फ करने से क्या हो जाता है, हुस्न खुद ब खुद नहीं बढ़ता, इस पर वक्फ करने से कारी हुस्न को बढ़ाता है। कलाम और कलाम में फ़र्क होता है। इस पर वक्फ करने से कारी हुस्न को, कलाम के हुस्न को बढ़ाता है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा, जितना है उसका हुस्न बस उतना ही रहेगा, लेकिन इससे बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ इस जगह वक्फ हसन है, वक्फुल हसन इस जगह है। समझ गए कि नहीं? यह है वक्फुल हसन। तो इसके बाद आखिर अब असल में वक्फ ख़त्म हो गया, लेकिन चौथा वक्फ जो है उसको वक्फ का नाम दिया गया है, अगरचे वो ख़राब वक्फ है, यानी वो सही अच्छा वक्फ नहीं है, वक्फ सही है लेकिन अच्छा वक्फ नहीं है, यानी काबिल कदर वक्फ नहीं है, इंसान उसे मतलूब करे मतलूबा वक्फ नहीं है, इंसान नहीं चाहेगा कि यहाँ वक्फ किया जाए। जो करता है वो नादानी की वजह से करता है, वो तजवीद का कायदा न जानने की वजह से करता है, लेकिन उसका जिक्र होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि कारी को चाहिए कि वक्फुल कबीह की मारिफत हासिल करे। जब ही वो वक्फुल मारिफ कभी की मारिफत हासिल करेगा, तभी वो उससे डर जाएगा कि हाँ मुझे वक्फ नहीं करना चाहिए, फो यो हरजो अलैह, वहाँ वक्फ करने से परहेज़ करेगा, एतराज़ करेगा। तो वो है वक्फुल अल वक्फुल कबीह, कबीह यानी खराब वक्फ, अल वक्फ अल कबीह, कबीह कबीह का लफ्ज आपको मालूम होगा, कभी यानी बुरा, जैसे हम कहते हैं इस कला में कोई कबाह नहीं, कबाह यानी बुराई नहीं है, ये वक्फुल कभी जो है ये कभी वक्फ है, इसमें कबाहत है, अगर यहाँ वक्फ किया जाए तो कबाहत है, कबाहत है। कबाहत क्यों है? पहले इसकी तारीफ, हुवल वक्फ, ये वो वक्फ है, हुवल वक्फ मा लम युतिम, मा लम युतिम माना हो, यहाँ था युतिम माना हो, तम माना हो, यहाँ है लम युतिम, पूरा नहीं हुआ है, लम युतिम पूरा बिल्कुल नहीं हुआ है, माना हो, कलाम का जुमले के माना उस जगह तक ख़त्म नहीं हुए हैं। वह ताल्लुक, और जहाँ इसने वक्फ किया कारी ने, तो उसका ताल्लुक है बेमा बाद हो, जो कुछ बाद में आ रहा है उसके साथ, उसके साथ ताल्लुक है, लफ्ज़ व मानन, लफ्ज़ के एतबार से और माने के एतबार से भी, व मानन,
लफ्ज़ के एतबार से भी ताल्लुक़ है और मायने के एतबार से ताल्लुक़ है, ताल्लुक़ भी बाक ख़त्म नहीं हो गया तो वह कैसा वक्फ़ करेगा, उसे वक्फ़ नहीं करना चाहिए क्यों, ताल्लुक़ भी बरकरार है। वक्फ़ से पहले के हिस्से का और वक्फ़ के बाद के हिस्से का राबता अभी है, वो टूटा नहीं। क्यों नहीं टूटा, क्योंकि मायने तमाम नहीं हुए, जुमले के मायने तमाम नहीं हुए। उर्दू में जब कहते हैं मायने तो इसको जमा इस्तेमाल किया जाता है, कहते जुमले के माना, जुमले के माना तमाम नहीं हुए, ये नहीं कहना चाहिए जुमले के मायने तमाम नहीं है, इसका मतलब ये उर्दू भी नहीं जानता ये बोलने वाला, जुमले के माना या मानी तमाम नहीं हुए, जमा में इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल मिसाल के तौर पर अब इसी में और इसको छोड़ता हूँ मैं, हम सीधा जाएंगे उस पर क्या नाम है मिसालों पर, वरना इसमें और थोड़े थोड़े से अल्फाज हैं जिससे ये जो डेफिनेशन है ये ज़्यादा मुकम्मल बन जाएगी, लेकिन इतना भी काफ़ी है क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो मिसाल के तौर पर नहव, हम कहेंगे नहव, जैसे कि हम कहेंगे यही जो यहाँ हमने कहा, ये देखिए यहाँ जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, वक्फ किया, वक्फ हमने किया, फिर आगे हमने वक्फ हसन में क्या करना है, अल्हम्दुलिल्लाह से नए सिरे से पढ़ना, इयादा करना, वक्फ कभी में इयादा नहीं करते, हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर थोड़ा देर वक्फ, फिर कहेंगे रब्बिल आलमीन, ये वक्फ कभी है, वो वलकफ हसन था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हसन है, इसे हुज़ूर बढ़ जाता है। अब हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह और रब्बिल आलमीन, ये कभी है, ये बुरा वक्फ है, क्योंकि इसने इन दो अज़ा को जुदा किया जिन अज़ा के आपस में ताल्लुकात भी बरकरार थे। ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल ये है, ये पढ़ेगा, ये यहाँ वक्फ नहीं करेगा, ये है रब्बिल आलमीन, रब मुजाफ है, आलमीन मुजाफ इलैह, आलमु का रब, का जहाँ होगा वो मुजाफ मुजाफ इलैह होता है, तो आप अगर ये मुजाफ को अलग करके मुजाफ इलैह को छोड़ेगा तो यहाँ वक्फ करेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब, सही है ना, गलत नहीं है, फिर वक्फ करेगा और वक्फ करने के बाद आगे पढ़ेगा बिल्कुल अलग से और पढ़ेगा आलमीन, क्या आलमीन, ये क्या पढ़ रहा है, आप समझ ना, क्या आलमीन, किस चीज़ आलमीन का क्या, मुजाफ उसने काट के अलग फेंक दिया ना, तो ये वाला फेंक दिया अलग, दो आपस में जो जुज जुड़ने चाहिए, महमूद की टोपी, ये एक ही है, ये यूनिट है और इसके ये छोटे से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, महमूद एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, टोपी दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसके अज्ज़ा हैं ये। अब मैं कहूँगा महमूद की, सुनने वाला कहे ये इसको क्या कहें, फिर मैं कहूँगा टोपी अहमद के सर, कौन सी वाली टोपी, ये किस टोपी की बात कर रहे, क्योंकि महमूद की तो वो गया बेचारा, आप समझे ना, तो गया, इसका मतलब है इसी को वक्फे कभी कहते हैं। दूसरी मिसाल इसकी, मिसाल के तौर पर वक्फ कभी के अंदर मिसाल के तौर मैं कहूँगा इन्नल्लाह ला यस्तहयी, इन्नल्लाह ला यस्तहयी, और वक्फ करूँगा इन्नल्लाह ला यस्तहयी, बिल्कुल अल्लाह इन बेशक अल्लाह हया नहीं करता है, हया नहीं करता यानी बाज नहीं रहता, इन्नल्लाह ला यस्तहयी, अल्लाह परहेज नहीं करता, अल्लाह परहेज नहीं करता, ये क्या परहेज नहीं करता, ये कलाम में कोई मायने है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसके आगे अगर ये यहाँ इसके आगे क्या है, आन याज़रिब आन याज़रिब मसला,
मिसाल बनाने के लिए, मिसाल बनाने में वो पीछे नहीं रहता, मिसालें बना बना के पेश करता है अपने कलाम को ताकि समझने वाले सुनने वाले समझ लें। तो लिहाजा मसल, जैसे हम ज़र्बुल मसल होती है ना, तो ज़र्बुल मसल बनाता है, इसे हटके नहीं रहता, परहेज नहीं करता है, डरता नहीं है, शर्माता नहीं है, अस्तहाई का मतलब होता है शर्माता, शर्माता नहीं करता, मिसालें बना बना के पेश करता है ताकि लोग समझ लें। अब जो यहाँ वक्फ करेगा पढ़ेगा इन्नल्लाह ला यस्तहयी, फिर पढ़ेगा अलग से आय यज़रिब मसला, कलाम टूट गया आपसे ना। इसी तरह मिसाल के दूसरी कुरान में है ला तक़रबुस्सला, ए जवानो नमाज के पास फटकना भी नहीं, नमाज के पास फटकना भी ही नहीं, इतनी नमाज कौन गई, नमाज की तरफ जाना भी नहीं, उसके करीब ही नहीं जाना, नमाज के करीब नहीं जाना, क्या हो गया मसला, ख़त्म हो गया ना सब कुछ, उल्टा मायने अल्लाह का इरादा जो है उसके उलट हमने कहा। अल्लाह का इरादा क्या था, अल्लाह का इरादा था ला तक़रबुस्सला वअंतुम सुकारा, सला नहीं वअंतुम सुकारा, ला तक़रबुस्सला वअंतुम सुकारा, नमाज के पास नमाज के करीब मत जाओ जबकि आप नशे में हो। अल्लाह का इरादा ये कहना, जब आप नशे में होंगे उस वक्त नमाज के पास मत जाओ, यानी उसके बाद उस वक्त नमाज मत पढ़ो, मेरे दरबार में आओगे तो नशे में मत आना, नशा करके नहीं आना, शराब पी के नहीं आना, चारों ओर भांग पी के नहीं आना, ये सिर्फ हरे कृष्ण हरे राम को सजता है, अल्लाह के दरबार में ये बात नहीं सजती है। अल्लाह के दरबार में है वो अंतुम सुकारा, जब आप नशे में होंगे ला तक़रबुस्सला, उस वक्त नमाज के करीब फटकना भी नहीं। तो गोया यहाँ वक्फ करना बहुत गलत था, ला तक़रबुस्सला था वो अंतुम सुकारा, समझना। लेकिन इसी वक्फ को अब क्या किया जा सकता है, वक्फुल हसन बनाया जा सकता है, कैसे, ला तक़रबुस्सला, सुनने वाले क्या कहें, ये क्या ला तक़रबुस्सला, नमाज में तो, नमाज तो इस्लाम में बिल्कुल सुतून है, ये क्या बोल रहा है, ला वो तब मुतवज्जे होंगे, ला तक़रबुस्सला, दूसरी बात भी और ज़्यादा इनमें तजस्सुस बढ़ गया सुनने वालों में, फिर कहेगा ला तक़रबुस्सला वअंतुम सुकारा, अब कितना हुसन बढ़ गया। जब ऐसे पढ़ेंगे तो ये वक्फुल हसन है, जब ये पढ़ेंगे और ये अलग पढ़ेंगे ये वक्फुल कबीह है। एक ही चीज़ वक़ुल हसन बन गई और दूसरी चीज़ वक़ुल कबीह बन गई, समझे कि नहीं बाबा, समझ गई या नहीं। इतना मेरे ख़्याल में आपके लिए काफ़ी है। तो फिर इब्तिदा थोड़ा सा रहता है, मुझे लगता है ये लंबा ही, इस वक्त नहीं नहीं टाइम, दो मिनट है, क्या हो जाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।